प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन होने वाला है 15 एंड 16 अगस्त को। बहुत ही कम समय बचा हुआ है एंड आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कंफर्म रिटेन यंग प्लेयर्स, कंफर्म एग्जिस्टिंग NYPs एंड कौन कौन से नॉमिनेटेड NYPs हो गए। इस वीडियो में सभी टीमों के बारे में बात करने वाले। शुरुआत करते बंगाल वॉरियर्स के साथ। तो बंगाल वॉरियर्स की टीम में अंडर NYP, जिसे आप एग्जिस्टिंग NYP कह सकते हो, उस कैटेगरी में 4 खिलाड़ी रिटेन हो गए, जो कि है महारुद्र गर्जे, आदित्य शिंदे, दीपक शिंदे एंड श्रेयस उम्बरदन। अंडर RYP कैटेगरी एक खिलाड़ी रिटेन होगा, वो वैभव गर्जे है। अब वैभव गर्जे पे भी डिपेंड करता है कि वो रिटेन होना चाहेंगे कि नहीं, बिकॉज इनका 2 साल का जो NYP का कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है एंड अगर रिटेन हो गए तो इनका पहला सीजन होगा अंडर RYP कैटेगरी। दूसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टीम है बेंगलुरु बुल्स की टीम। बेंगलुरु बुल्स की टीम से अंडर NYP कैटेगरी 4 खिलाड़ी है, जो कि है आदित्य पवार, अक्षित दुल, प्रतीक एंड अरुण नाथ बाबू। एंड वहीं पे बात की जाए RYP कैटेगरी की, तो अंडर RYP कैटेगरी 2 कंफर्म प्लेयर्स रिटेन हो गए, जो कि सौरभ नंदल एंड भरत हुड्डा है। इनका जो 3 साल का RYP का कैटेगरी है वो एंड नहीं हुआ है। सौरभ नंदल अपना 3रा सीजन खेलेंगे एंड वहीं पे भरत हुड्डा अपना 2रा सीजन खेलेंगे अंडर RYP इस सीजन। अगली टीम है दबंग दिल्ली की टीम। दबंग दिल्ली की टीम से अंडर NYP कैटेगरी में रिटेन हो गए योगेश दहिया, मनु देशवाल, आशीष मलिक एंड हिम्मत अंतिल। एंड वहीं पे RYP कैटेगरी की बात की जाए तो RYP कैटेगरी के अंडर रिटेन हो सकते हैं मंजीत शर्मा, बिकॉज इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट NYP का एंड हो चुका है एंड अगर रिन्यू होगा तो RYP के अंडर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो मंजीत शर्मा अगर चाहते तो वो ऑक्शन में आ सकते हैं। गुजरात जायंट्स की बात करते हैं। गुजरात जायंट्स की टीम में अंडर NYP कैटेगरी 1 ही खिलाड़ी रिटेन होने वाला है, जो कि नितिन जागलान है। एंड वहीं पे RYP की बात की जाए तो अंडर RYP कैटेगरी 2 खिलाड़ी रिटेन हो गए, जिसमें राकेश सुंगरोया कंफर्म है एंड प्रतीक दहिया पे डिपेंड करता है कि वो रिटेन होना चाहेंगे कि नहीं, बिकॉज प्रतीक दहिया का 2 सीजन का जो NYP का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है एंड राकेश सुंगरोया का 3 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें 1 सीजन कंप्लीट हो चुका है। इस सीजन 2रा सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे अंडर RYP। चारों ही प्लेयर्स के नॉमिनेटेड NYPs के बारे में फटाफट बात कर लेते तो पता चला है कि बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 4 नॉमिनेटेड NYPs का जो प्लेयर्स का नाम है वो दिया है। वहीं पे बेंगलुरु बुल्स से 1 ही खिलाड़ी शायद से नॉमिनेटेड NYPs में आएगा, दबंग दिल्ली से 2 खिलाड़ी एंड गुजरात जायंट्स से भी इस सीजन सिर्फ 1 खिलाड़ी हो सकता है अंडर नॉमिनेटेड NYP। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में रिटेन प्लेयर्स का लिस्ट अनाउंस होने वाला है एंड रिटेंशन के रिगार्डिंग एंड साथ ही में ऑक्शन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 2 तरीके हैं ज्वाइन करने के। लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप दूसरे मेथड से भी ज्वाइन कर सकते हो सर्च करके। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है @sportsniff7, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कबड्डी एंड PKL 11 का हर एक अपडेट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस बार अलग ही तरीके से कवरेज होने वाला है। बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। अगली टीम है हरियाणा स्टीलर्स की टीम। हरियाणा स्टीलर्स की टीम से अंडर NYP कैटेगरी 4 खिलाड़ी रिटेन हो गए, जो कि है शिवम पतारे, हरदीप कंटोला, विशाल टेट एंड जया सूर्या NS। एंड वहीं पे RYP की बात की जाए तो अंडर RYP कैटेगरी 3 खिलाड़ी रिटेन हो गए, विनय तेवतिया, जयदीप दहिया एंड मोहित नांदल, जिसमें से तीनों ही प्लेयर्स कंफर्म है। विनय तेवतिया का 3रा सीजन होगा, जयदीप दहिया एंड मोहित नांदल का 2रा सीजन होगा अंडर RYP। नॉमिनेटेड NYPs की बात की जाए तो हरियाणा की टीम ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो कि विकास यादव, नाना अभिषेक एंड साहिल नरवाल होने वाले हैं। अगली टीम की बात करते हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स के टीम से अंडर NYP कैटेगरी 2 खिलाड़ी रिटेन होगा, जो कि है अभिजीत मलिक एंड अभिमन्यु रघुवंशी। एंड RYP की बात की जाए तो अंडर RYP अंकुश राठी रिटेन हो सकते हैं। अब इन पे डिपेंड करता है, बिकॉज इनका 2 सीजन का NYP कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म एंड अगर RYP करते तो 3 सीजन लगातार खेलेंगे एंड अगर चाहते ऑक्शन में जाना तो ऑक्शन में जा सकते अंकुश राठी। अगली टीम की बात करते हैं। नेक्स्ट टीम पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स की टीम से अंडर NYP कैटेगरी 3 खिलाड़ी रिटेन हो गए,
पहले सुधाकर एम, दूसरे है कुणाल मेहता एंड तीसरे है अभिनंद सुभाष। एंड आरवाईपी की बात की जाए तो अंडर आरवाईपी कैटेगरी एक खिलाड़ी रिटेन होगा जो कि कंफर्म है, वो है मनीष। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेड़ी पलटन की। पुनेड़ी पलटन की टीम से अंडर एनवाईपी कैटेगरी 4 खिलाड़ी रिटेन होने वाला है। सबसे पहले है नितिन मलिक, फिर है दादासो पुजारी, फिर है वैभव कामले एंड तुषार अधावडे। एंड वहीं पे आरवाईपी की बात की जाए तो अंडर आरवाईपी यहाँ पे 5 खिलाड़ी रिटेन हो गए एंड पांचों के पांचों खिलाड़ी कन्फर्म है जो कि संकेत सावंत है, पंकज मोहिते, असलम इनामदार, मोहित गोयत एंड आकाश शिंदे, जिसमें से संकेत एंड पंकज मोहिते का आखिरी सीजन होगा अंडर आरवाईपी और वहीं पे असलम, मोहित एंड आकाश का दूसरा सीजन होने वाला है अंडर आरवाईपी। चारों ही टीम्स के नॉमिनेटेड एनवाईपीज की बात की जाए तो हरियाणा के टीम से 3 खिलाड़ी नॉमिनेटेड एनवाईपीज हो गए, जयपुर पिंक पैंथर्स के टीम से 4 खिलाड़ी हो सकते हैं, पटना पायरेट्स से भी 4, जिसमें से एक अयान ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं एंड पुनेड़ी पलटन का अभी तक पता नहीं चला कि कितने खिलाड़ी साइन किए हैं अंडर एनवाईपी पीकेएल सीजन 11 के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का T20 सीरीज एंड ODI सीरीज शुरू होने वाला है। एंड क्रिकेट के अगर आपको फैंटेसी टीम्स एंड फ्री में मैचेस के प्रेडिक्शन चाहिए तो आप क्रिकेट गली फैंटेसी चैनल को चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी के साथ मैचेस के प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल जाएगा एंड फैंटेसी टीम्स आपको इंडिया वर्सेज श्रीलंका के जो टूर होने वाला है उसके देखने को मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देने वाला हूँ या फिर टेलीग्राम पर जाके आप @cricketgalifantasy चैनल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अगली टीम की बात करते हैं, नेक्स्ट टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम। तेलुगु टाइटंस की टीम से अंडर एनवाईपी कैटेगरी 4 खिलाड़ी रिटेन हो गए जो कि है प्रफुल्ल जवारे, संजीवी एस, ओमकार पाटिल एंड अंकित जागलान। एंड रिटेन यंग प्लेयर्स की बात की जाए तो आरवाईपी से कोई भी खिलाड़ी तेलुगु टाइटंस से रिटेन नहीं होगा। अगली टीम की बात करते हैं, नेक्स्ट टीम है तमिल थलाइवास की टीम। तमिल थलाइवास की टीम से अंडर एनवाईपी कैटेगरी रिटेन हो गए विशाल चहल, रौनक खार, नितिन सिंह एंड नितेश कुमार। एंड वहीं पे आरवाईपी की बात की जाए तो टोटल 7 खिलाड़ी रिटेन हो गए जिसमें से 6 कंफर्म है जो कि है सागर राठी, हिमांशु यादव, एम अभिषेक, साहिल गुलिया, मोहित झाकर, आशीष एंड नरेंद्र कंडोला। अब इसमें से नरेंद्र कंडोला का कंफर्म नहीं है बिकॉज नरेंद्र कंडोला का जो 2 सीजन का एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका है खत्म। एंड अगर रिटेन हो गए अंडर आरवाईपी पहली बार रिटेन हो गए एंड अगर नरेंद्र चाहते कि मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूं तो वो रिलीज हो जाएंगे। एंड वहीं पे आखिरी सीजन या फिर आप कह सकते हो कि आरवाईपी के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल यहां पे सागर राठी, हिमांशु एंड एम अभिषेक का चल रहा है एंड दूसरा साल चल रहा है साहिल गुलिया, मोहित झाकर एंड आशीष का। अब बात करते हैं यूपी योद्धास की। यूपी योद्धास की टीम से अंडर एनवाईपी कैटेगरी 3 खिलाड़ी रिटेन होगा जो कि है गगन गौड़ा, शिवम चौधरी एंड हितेश। एंड वहीं पे बात करते हैं आरवाईपी की तो आरवाईपी की कैटेगरी में 3 खिलाड़ी रिटेन हो गए जो कि है सुरेंद्र गिल, सुमित सांगवान एंड आशू सिंह। एंड जो तीनों ही खिलाड़ी है आरवाईपी के अंडर, तीनों ही खिलाड़ी का आखिरी साल चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आखिरी बार आरवाईपी से रिटेन हो गए तीनों ही खिलाड़ी। एंड आखिरी टीम की बात करते हैं तो आखिरी टीम है यू मुंबा की टीम। तो यू मुंबा की टीम से अंडर एनवाईपी कैटेगरी 4 खिलाड़ी रिटेन हो गए जो कि है सोमवीर गोस्वामी, मुकिलन सनमुगम, गोकुल कन्नन एंड बिट्टू बनवाला। एंड आरवाईपी की बात की जाए तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी रिटेन होने वाला है जो कि है शिवम ठाकुर, जिनका दूसरा सीजन होगा अंडर आरवाईपी। चारों ही टीम्स के नॉमिनेटेड एनवाईपीज की बात की जाए तो तेलुगु टाइटन से 3 खिलाड़ी नॉमिनेटेड एनवाईपीज हो सकते हैं, तमिल थलाइवास से भी 3, यूपी योद्धास से 4, जिसमें से 2 ऑफिशियली यूपी योद्धास की टीम ने अनाउंस कर दिया, बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन वो 2 खिलाड़ी साइन होने वाले। एंड यू मुंबा की टीम से भी 2 खिलाड़ी नॉमिनेटेड हुए हैं एंड देखते हैं कि कौन से वो 2 खिलाड़ी हो गए। सो गाइस ये थे सभी टीमों के कंफर्म एनवाईपीज एंड आरवाईपी रिटेन प्लेयर्स जो मैंने आपको बता दिया है एंड कोई ऐसे प्लेयर्स है आरवाईपी के अंडर जो रिलीज हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड आपको क्या लगता है सभी टीम्स कौन कौन से इलीट प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, इस पर भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड कौन से 10 बड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन में, ये जानने के लिए आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो एंड राइट साइड पे चैनल का लेटेस्ट वीडियो शो हो रहा होगा उस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियोस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।